हेलो गाइस, आज मैं एक नई आरसी कार खरीद के लेके आ चुका हूँ। जैसे कि देख सकते हो, ये है एक क्लासिक फॉर्मूला वन रेसिंग कार और ये डाई कास्ट भी है और इसके अंदर एक बूस्टर भी लगाया गया है। आज मैं इस कार की फाइट कराने वाला हूँ बहुत ही यूनिक आरसी कार्स के साथ और इनको हम लोग बोल सकते हैं एक सुपर स्पोर्ट्स आरसी कार। ये है फरारी स्पेशले 458, ये है बीएमडब्ल्यू i8 रेड कलर एडिशन, ये है मर्सिडीज बेंस SLS AMG। चलो गाइस फटाफट से इन चारों की करते हैं अनबॉक्सिंग, फिर कराएंगे इसकी फाइट इन तीनों सुपर स्पोर्ट्स कार के साथ। देखते हैं ये कार इन स्पोर्ट्स कार को हरा पाती है या नहीं। लेट्स स्टार्ट। पुराने जमाने में इसी तरह की फॉर्मूला वन रेसिंग कार आया करती थी। ये कार बहुत स्पीड से चल सकती है। इसके क्या क्या मेन फीचर्स है, ऊपर की तरफ आप देख सकते हो, बूस्टर है, सिमुलेटेड इंजन साउंड है, कूल लाइट्स है, 1:12 स्केल मॉडल पर बनाई गई है। इसके बहुत अलग अलग मॉडल्स मिलते हैं जैसे कि आप देख सकते हो। ये कार को मैंने रिसेंटली ही अनबॉक्स किया था। ये कार भी मैं आने वाले दिनों में अनबॉक्स करने वाला हूँ। चलो फटाफट से इसको मैं अनबॉक्स कर देता हूँ यहाँ से। दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर से दबा देना। ये हमारी क्लासिक फॉर्मूला वन रेसिंग कार, लुक बहुत ज्यादा डिफरेंट है इसका और ये कम्प्लीटली मॉडिफाइड की हुई है। सामने की तरफ इस तरह की ग्रिल मिलती है, इसका नंबर है 8। ऊपर की तरफ यहाँ स्पीकर लगाया गया है। अंदर देखो यार क्या ही कमाल की चीजें दी गई है, स्टीयरिंग सीट्स वगैरह, इसका डैशबोर्ड वगैरह देख सकते हो यहाँ पर। इसके साइड मिरर्स है पर इसके अंदर बिल्कुल भी ग्लास नहीं दिया गया है। यहाँ पर है इसका बूस्टर, पीछे की तरफ लाइट जैसा डिजाइन है पर ये लाइट्स काम नहीं करती है। यहाँ पर हम लोगों को वाटर डालना पड़ता है ताकि ये बूस्टर कम्प्लीटली काम कर सके। यहाँ पर इसका एग्जॉस्ट सिस्टम है। मेरे को लगा था कि इसका सामने का बोनट ओपन होगा पर ये कम्प्लीटली इन लोगों ने फिक्स करके रखा हुआ है। सामने के व्हील्स थोड़े से छोटे, पीछे के व्हील्स का साइज बढ़ाया और ये व्हील्स बहुत ज्यादा टफ है। ऑफ रोड में भी शायद हम लोग इसको कम्प्लीटली चला सकते हैं। नीचे है बैटरी कंपार्टमेंट, इसके अंदर बहुत बड़ी बैटरी भी आ जाएगी। यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है। टफनेस की बात करूं तो बहुत ज्यादा टफ है ये कार, आप देख सकते हो। मैं इसको इतना ज्यादा ठोक रहा हूँ पर इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इसके अंदर मिलता है इस तरह का रिमोट कंट्रोलर, रिमोट का साइज काफी ज्यादा बड़ा है। ओवरऑल रिमोट की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। अभी इसके अंदर एक और बॉक्स मिला है, शायद इसके अंदर बैटरी वगैरह होगी। इसकी मैं निकाल के दिखा देता हूँ। छोटी सी बोतल दी गई है इसके अंदर वाटर वगैरह डालने के लिए। यहाँ पर है इसकी बैटरी, इसके साथ मेरे को मिली है 7.4 वोल्ट की बैटरी। अभी अनबॉक्स करते हैं फरारी। चलो इस कार को मैं यहाँ से ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। गाइस यहाँ पर मैं जितनी भी कार्स आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप इन कार्स को खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, इधर आपको व्यू प्रोडक्ट दिखाई देगा। उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे इन सभी आरसी कार्स का बाय लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चाहे तो इन्हें खरीद भी सकते हो। ये आ चुकी है मेरे हाथ में फरारी स्पेशले 458। इसका लुक देखो गाइस कितना ज्यादा डिफरेंट है। देख सकते हो बॉडी कलर में ही सीट्स वगैरह दी गई है, स्टीयरिंग भी नजर आ रही है। चल लाइसेंसड आरसी कार है, इस वजह से इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा सॉलिड है। पीछे की तरफ टेल लाइट्स है, हेडलाइट्स भी इसकी काम करती है। यहाँ पे फरारी स्पेशले 458 बोल के लिखा हुआ है। यूएसबी केबल मिलता है, इससे हम लोगों को रिचार्ज करना पड़ता है। इसकी बैटरी हम लोग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इस कार के अंदर भी बहुत हार्ड व्हील्स लगाए गए हैं। इसका रिमोट मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर मिलता है इस तरह का रिमोट, इसमें फरारी का लोगो दिया हुआ है। ओके गाइस अभी अनबॉक्स करते हैं मर्सिडीज बेंज SLS AMG को, स्पेशल लाइसेंसड आरसी कार है। यहाँ से मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ फटाफट से। ये कार मेरे को बहुत सही लगती है यार, क्योंकि इस कार का कलर देखो कितना ज्यादा डार्क है। पैकिंग इन लोगों ने बहुत अच्छे से कर रखी है क्योंकि इसके डोर्स हम लोग ओपन कर सकते हैं। देखो गाइस डोर जो है ऊपर की तरफ इस तरह से ओपन हो जाते हैं, तो मैं हटा देता हूँ फिलहाल। ओ माय गॉड, अंदर की तरफ बहुत अच्छा इंटीरियर इसके अंदर दिया गया है। अरे भाई साहब देखो यार, स्टीयरिंग के ऊपर भी इन लोगों ने मर्सिडीज का लोगो लगा रखा है। सामने का बोनट बहुत ज्यादा बिग साइज का है, यहाँ पे मर्सिडीज का लोगो दिया गया है। हेडलाइट्स इसकी प्रॉपर तरीके से काम करती है। 5 रिचार्जेबल बैटरीज मिलती है, इसको हम लोग बार बार रिचार्ज करके कार के अंदर यूज कर सकते हैं। ये है इसका रिमोट कंट्रोलर, 2.4 GHz का रिमोट है। तो गाइस अभी अनबॉक्स करते हैं सबसे सस्ती वाली BMW i8। इस कार को मैंने सिर्फ 2000 रुपीज में खरीदा था। ये कम्प्लीटली BMW i8 जैसी ही दिखाई देती है पर ये ऑफिशियल लाइसेंसड कार है नहीं गाइस। आपको पता होगा मेरे पास बहुत सारी ऑफिशियल लाइसेंसड आरसी कार है, जैसे कि BMW ब्लैक कलर भी है, BMW व्हाइट कलर भी है और ये BMW रेड कलर भी। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बॉक्स के अंदर से मैंने इसको निकाल लिया है। यहाँ पर है इसका रिमोट कंट्रोलर, यहाँ पर इसकी जॉयस्टिक है। रिमोट मेरे को बिल्कुल सही लगता है क्योंकि इसकी जॉयस्टिक बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल दी गई है। कार को मैंने थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर रखा है। इसके अंदर मैं डालूंगा ये वाली बैटरी, 7.4 वोल्ट 600 mAh की बैटरी। तो ये रही हमारी कार। कार का लुक बहुत ज्यादा यूनिक है। इसके डोर्स कम्प्लीटली ओपन हो जाते हैं रिमोट के अंदर हम लोग जैसे ही बटन दबाते हैं। व्हील्स नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं पर व्हील्स के ऊपर जो शाइनिंग है ये बहुत तगड़ी वाली दे रखी है। यहाँ पर बहुत सारी लाइट्स है, इसकी हेडलाइट्स भी काम करती है। इसकी बिल्ड क्वालिटी इन सबसे मेरे को सबसे ज्यादा बेटर लग रही है। चलो दोस्तों अभी कराते हैं इन सभी के बीच में फाइट, देखते हैं अभी कौन सी कार आज जीत पाती है। लेट्स गो एंड फाइट।
सभी कार्स को मैंने रोड पर रख दिया है। कार्स देखो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है। अभी एक एक करके सबको टच करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला वन रेसिंग कार को टच करते हैं। इसके बूस्टर के अंदर से अजीब तरीके की आवाज भी आने लग रही है। ऐसा लग रहा है कि रियल वाला बूस्टर यहाँ पर काम कर रहा है। चलो फटाफट से इसको चला के देख लेते हैं। कार बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। रिमोट बहुत अच्छा होने के कारण कंट्रोलिंग भी इसकी बहुत बढ़िया दी गई है। अभी टच करते हैं फरारी स्पेशले 458 को। जब से मैंने इस कार को अपग्रेड करके इसका रिमोट वगैरह चेंज किया है तब से कार बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। ये बटन दबाते ही इसका टॉप यहाँ से फोल्ड होकर ऊपर की तरफ फिट हो जाता है। ये एक कार ही है गाइस इसके अंदर ये सिस्टम देखने को मिलता है। अभी टेस्ट करते हैं BMW i8 रेड कलर वर्जन को। इसके डोर्स इस तरह से हम लोग ओपन और क्लोज कर सकते हैं रिमोट को यूज करके। ये कार की कंट्रोलिंग मेरे को सभी कार से बेटर लगती है। अभी टेस्ट करते हैं Mercedes RC कार को। ये कार कंप्लीटली ऑफिशियल लाइसेंसड है, इस वजह से ये कार बहुत स्मूथ तरीके से चल जाती है। इसका लुक बहुत ही यूनिक है। सबसे पहले रेस कराएंगे ये दोनों कार्स के बीच में, देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है इस रेस को। रेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। दोनों के बीच में काफी ज्यादा कांटे का मुकाबला मेरे को लग रहा था जैसे ही मैंने बूस्टर ऑन किया है। फॉर्मूला वन रेसिंग कार बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है। यहाँ पे फरारी कार पूरी कोशिश कर रही है इसको टेक ओवर करने के लिए। इसके आसपास तक पहुंच चुकी थी पर मॉडिफाइड फॉर्मूला वन रेसिंग कार जीत चुकी है इस रेस को। अभी देखते हैं ये फॉर्मूला वन रेसिंग कार BMW को भी रेस में हरा पाती है। दोनों के बीच में रेस स्टार्ट हो चुकी है। BMW आगे निकल चली थी पर फॉर्मूला वन ने इसको भी टेक ओवर कर दिया। यहाँ पर अभी तक मैंने इसका बूस्टर भी ऑन नहीं किया फिर भी इसकी स्पीड देखोगे कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। वापस यहाँ पे फॉर्मूला वन रेसिंग कार जीत चुकी है इस रेस को। अभी इन दोनों के बीच में रेस कराते हैं, देखते हैं फॉर्मूला वन रेसिंग कार मर्सिडीज को भी हरा पाती है। यानी मर्सिडीज की स्पीड यहाँ पर मेरे को कुछ ज्यादा ही लग रही थी पर मर्सिडीज अभी पीछे हो चुकी है। फॉर्मूला वन रेसिंग कार आगे निकल चुकी थी पर मर्सिडीज देखोगे जिसके आसपास तक पहुंच चुकी है और इसने टेक ओवर कर दिया है फॉर्मूला वन रेसिंग कार को। वापस से फॉर्मूला वन रेसिंग कार ने इसको टेक ओवर कर दिया और ये बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है। वापस से यहाँ पर फॉर्मूला वन रेसिंग कार ने हरा के रख दिया है तीनों की तीनों सुपर स्पोर्ट्स RC कार्स को। फॉर्मूला वन रेसिंग कार के अंदर स्पीड तो बहुत गजब की। अभी कराते हैं इनके बीच में आमने सामने वाली फाइट, देखते हैं इन दोनों में से कौन सी कार यहाँ पर जीत पाती है। यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि फरारी जीतेगी। फॉर्मूला वन रेसिंग कार यहाँ पे बूस्टर ऑन करके पूरी कोशिश कर रही है फरारी को रोकने के लिए। मेरे को नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पे जीतेगा। दोनों के बीच में यहाँ पे टाई हो चुका है। अभी देखते हैं इन दोनों के बीच में थग ऑफ वॉर में भी टाई होता है या फिर कोई एक जीत पाता है। यहाँ पे फॉर्मूला वन रेसिंग कार व्हीली मारकर इसको खींचने की कोशिश कर रही थी पर फरारी कार इससे भी ज्यादा पावरफुल निकली। यहाँ पर फॉर्मूला वन रेसिंग कार का मैंने बूस्टर भी ऑन कर रखा है फिर भी फरारी ने इसको हरा के रख दिया है थग ऑफ वॉर में। अभी पुशबैक कराएंगे फरारी वर्सेस मर्सिडीज की, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। टक्कर तो एक दूसरे को दोनों ने बराबर वाली मारी है। यहाँ पर मर्सिडीज धीरे धीरे करके फरारी को पीछे ढकले जा रही है। यहाँ पर फरारी पूरी कोशिश कर रही है इसको रोकने के लिए पर फरारी कार यहाँ पर हार चुकी है मर्सिडीज से पुशबैक में। अभी देखते हैं फरारी कार BMW को भी पुशबैक में हरा पाती है। यानी टक्कर बहुत खतरनाक हुई है दोनों के बीच में। आवाज आप सुन सकते हो यहाँ पर क्लियरली। देखो गाइस बहुत आसानी से मर्सिडीज ने BMW i8 रेड कलर वर्जन को भी हरा के रख दिया है पुशबैक में। अभी इन सभी के सभी कार्स को मैं लेके आ चुका हूँ ऑफ रोड में। अभी इनको टेस्ट करेंगे ऑफ रोड में, देखते हैं ऑफ रोड में कौन सी कार बढ़िया तरीके से चल पाती है। फॉर्मूला वन रेसिंग कार अपना बूस्टर ऑन करके बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है और इसके सामने जितने भी पत्थर वगैरह आ रहे हैं उन सभी को तोड़ फोड़ कर ये आगे बढ़ रही है। 458 स्पेशले को चला के देखते हैं ये मिट्टी में किस तरह से चल पाती है। मिट्टी में इसके व्हील्स बहुत ज्यादा स्किड कर रहे हैं। व्हील यहाँ पे घूम रहा है पर ये बिल्कुल भी आगे मूव नहीं कर पा रही है। अभी देखते हैं ये मर्सिडीज कार भी मिट्टी में चल पाती है। यानी यहाँ पे मैं इसको चला रहा हूँ अभी तक तो बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी पर जैसे ही इसके सामने ज्यादा मिट्टी आई है कार भी मिट्टी के अंदर नहीं चल सकती है। अभी टच करते हैं BMW i8 रेड कलर वर्जन को, देखते हैं ये चल पाती है। यानी यार इसकी भी हालत सेम है। ये जितनी भी स्पोर्ट्स कार होती है मिट्टी के अंदर या फिर ऑफ रोड में बिल्कुल भी नहीं चल पाती है दोस्तों। अभी लाइट टेस्ट करते हैं इन सभी की सभी RC कार्स के बीच में। इन सभी कार्स के अंदर हेडलाइट प्रॉपर तरीके से काम करती है पर सबसे ज्यादा हेडलाइट मेरे को BMW की अच्छी लग रही है। फॉर्मूला वन रेसिंग कार की भी बढ़िया लग रही है। फॉर्मूला वन रेसिंग कार का बूस्टर बहुत ज्यादा कमाल का है। तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको इन चारों कार्स में से कौन सी कार पसंद है। चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम आ जाता है हेमंत, तस्लीम, तनिष्क, विवेक, दक्षराज, जतिंदर, निखिल, आबिद, रूबुल, सुजीत। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।